स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट जैसा गुरु। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको पता होगा कि आप थंबनेल पर देख लिए होंगे, बिहार विधानसभा एसओ का अपडेट एग्जाम डेट का। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पता होगा कि लगातार आप लोग मुझे 7 दिन से लगातार कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे जो हमारे अपने भाई बंधु हैं, छोटे भाई बहन, कि सर बिहार विधानसभा एसओ का कुछ अपडेट दीजिए या बिहार विधानसभा का जितना भी पोस्ट ऑफिस अटेंडेंट सिक्योरिटी गार्ड है उसका अपडेट दीजिए। तो ये बेसिकली वीडियो उसी मुद्दे पर रहने वाली है, लेकिन जो नए भी उस चरण पहली बार देख रहे हैं वो बताना चाहता हूँ कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद या बिहार की जितनी वैकेंसियाँ हो उन सभी वैकेंसियों को यहाँ सबसे पहले अपडेट दिया जाता है, साथ ही साथ उसका फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी भी करवाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट की बात होती है कि जो बच्चा बिहार विधानसभा का फॉर्म भरा या फिर बिहार विधान परिषद का फॉर्म भरा या फिर बिहार SSC इंटर लेवल का फॉर्म भरा है, केवल इसलिए नहीं, RRB NTPC हो, बिजली विभाग हो, जितने भी वैकेंसी हम लोग बिहार की तरफ से देखने को मिल रही है या फिर बिहार के बच्चे जो भी फॉर्म भरते हैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाती है। तो प्रश्न आता है कि सर कहाँ करवाई जाती है, तो जो नए बच्चे हैं उनको बताना चाहता हूँ द प्लेटफॉर्म कोचिंग। जी हाँ दोस्तों, द प्लेटफॉर्म 1.0, अगर आप YouTube चलाते हैं तो YouTube पर सर्च कीजिएगा द प्लेटफॉर्म 1.0, वो हमारा जो है YouTube चैनल है जिस पर सारे फैकल्टी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या GK GS हो। सो अगर आप किसी भी फॉर्म को भरे हैं तो उसकी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ करवाई जाएगी। बात करते हैं कि आपको उसके लिए करना क्या होगा, तो उसके लिए आपको चैनल को द प्लेटफॉर्म 1.0 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना होगा। वहाँ पर सारे आपके एक्सपर्ट फैकल्टी सब्जेक्ट वाइज हैं और उसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। जैसा कि पता है कि आपको हर कहीं ना कहीं संस्थान में पैसे लिए जाते हैं आपको पढ़ाने के लिए या आपको कंटेंट देने के लिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी और सुबह से लेकर रात तक क्लासेस है, यानी अगर आप ऑफिस में हैं तो रात में देख सकते हैं, और अगर आप एक वर्किंग स्टूडेंट नहीं है तो आप कह सकते हैं कि आप जब भी घर में बैठे तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर सारे सब्जेक्ट के फैकल्टी एक्सपर्ट हैं। वहाँ पर GK GS मैं ही लेता हूँ, और जो भी अगर आपने ALP या फिर NTPC का फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पर भी आपको अपडेट यही मिलेगा। अब आते हैं अपने मुद्दे पर, ठीक है, कि सर बिहार विधानसभा एसओ का या फिर बिहार विधानसभा का क्या अपडेट है। देखिए, कल मैं बिहार विधानसभा का अपडेट पता किया तो वहाँ पर मालूम चला कि जो उसके जो सचिव होते हैं, याद रखिएगा, सेक्रेटरी जो होते हैं बिहार विधानसभा के, वो अभी इस मुद्दे पर या उस जो फाइल जो बिहार विधानसभा का रिक्रूटमेंट का है उस पर वो साइन नहीं कर पा रहे। साइन नहीं करने का कारण क्या है कि वो अभी बैठ ही नहीं रहे, वो अभी आउट ऑफ बिहार चल रहे हैं। अब जो इंटरनल व्यक्ति होंगे उनको पता होगा, बाकी जो बाहरी बच्चे होंगे उनको हवा लगता होगा, जो भी लोग ऑफिस के आपके भैया वगैरह होंगे सचिवालय में या बिहार विधानसभा में, पता करवा लीजिएगा उनके जो डायरेक्टर, उनके जो सेक्रेटरी हैं वो अभी लीव पर है, और लीव पर है तो जाहिर सी बात है उनका कार्यभार जो है वो दूसरे व्यक्ति नहीं कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी सेक्रेटरी नहीं है, और जब मैंने पता किया कि भाई कब तक आएंगे तो इसके सिलसिले में बात नहीं मालूम चला कि वो कब तक आएंगे। बोला गया कि छुट्टी पर है, इस महीने तक छुट्टी पर रहेंगे। अब इस महीने पर छुट्टी पर रहेंगे तो जाहिर सी बात है भैया जब तक वो साइन करेंगे नहीं फिर वो हमारे बिहार विधानसभा की कोई कार्रवाई को आगे, मतलब बिहार विधानसभा के एग्जाम की प्रक्रिया कोई को आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि मैंने इसे पूछा भी था कि भाई एक्सपेक्टेड डेट बता दो कब तक आएंगे, तो बोले महीने के लास्ट तक, और उससे पहले मुझे मालूम चला था कि सेकंड वीक तक उस फाइल पर साइन हो जाएगी। फाइल जा करके रखा हुआ है, और कुछ बच्चे सोच रहे थे कि बिहार विधानसभा की नई वैकेंसी आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं था। नई वैकेंसी का मैंने पता कर लिया, नई वैकेंसी पर जो भी वीडियो आई थी वो फेक वीडियो आई थी, सो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है कि ऐसा नहीं कि बिहार विधानसभा की फिर से कोई वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, इसी वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। अब वो सितंबर के लास्ट तक अगर आते हैं तो ये कहीं ना कहीं मामला आपका सितंबर यानी अक्टूबर तक जाने वाला है। लेकिन एक ये भी मैं कहूँगा कि अगर आप बिहार विधानसभा का एसओ की तैयारी कर रहे हैं तो द प्लेटफॉर्म 1.0 पर आकर के इसका डेली 55 क्वेश्चन का GK GS चलता है, और वो केवल एसओ का ही नहीं, ऑफिस अटेंडेंट का भी चलता है, चाहे वो बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद हो, ऑफिस अटेंडेंट में भी 55 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 40 आपके आर्ट्स होते हैं, 15 आपके साइंस होते हैं, 15 आपके मैथ्स होते हैं, और 30 आपका रीजनिंग जो है बिहार विधानसभा परिषद का वहाँ करवाया जाता है। ठीक है, अब बात यहाँ पर कुछ बच्चे जो नए बच्चे बोलेंगे इसमें अपडेट क्या है, अपडेट ये है बाबू, तेरा ध्यान सुनना, अपडेट ये है बाबू कि उनके सेक्रेटरी अभी बैठे नहीं हैं, और ये बात 100% मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आपके कोई भैया बंधु होंगे वहाँ पर ऑफिस में तो पता करवा लीजिएगा, बिहार विधानसभा में जो अभी बिहार विधानसभा का जो सेक्रेटरी है वो छुट्टी पर है, और छुट्टी जो है उनको इस महीने तक रहने वाली है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा अपडेट है जो मैं ऑन कैमरा के बोल रहा हूँ, चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि अगर मुझे वीडियो ही बनाना होता तो मैं लगातार कोई ना कोई वीडियो लेकर आ ही जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है सही न्यूज़ और सही सोच लेकर आना छात्रहित के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके बीच में लेकर आया है कि भैया आपके मन में जो सेटिस्फैक्शन है वो बना रहे, और आपका जो विश्वास मेरे ऊपर वो हमेशा बना रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं जो भी इस मंच पर बोला हूँ आज तक, हमारे चैनल को 1.5 साल होने जा रहा है, 1 साल नहीं 1.25 साल होने जा रहा है, तो आपके विश्वास के कारण हमारा चैनल इतना बड़ा हुआ है, हमारा फैमिली इतना बड़ा हुआ है, तो आपका विश्वास आज तक बनाए रखे हूँ और आगे भी बनाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। मेरा मानना है कि 1 सप्ताह बाद ही वीडियो बनाओ, लेकिन कहीं ना कहीं ऑथेंटिक वीडियो बनाओ। ठीक है, तो आई होप जो नए बच्चे हैं उनको बात समझ में आ रही होगी, और पुराने बच्चे तो हमारे दिल के कल भी करीब थे,
आगे भी रहेंगे। इसलिए जो नए बच्चे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो @GSAllGuru, जी हाँ दोस्तों @GSALLGURU, @GSAllGuru टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसको ज्वाइन कर ले। चूंकि कुछ ऐसे अपडेट होते हैं जहां पर मैं सीधे वहां पर शेयर कर देता हूं, जैसे चैनल का लिंक हुआ या फिर कोई नया वैकेंसी का अपडेट हुआ तो मैं वहां पर उसको सेंड कर देता हूं, या बिहार विधान परिषद का या सभा का ही कुछ अगर उसका आता है लेटर वगैरह ऑर्डर वगैरह तो वहां पर मैं सेंड कर देता हूं, तो आप वहां भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पर तुरंत अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, सो ऐसे इंटरेक्शन फैक्ट्री बनाए चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, डेट्स ऑल, थैंक यू।